हमने पिछली बार हम बात कर रहे थे कि ये जो आज इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का, उसकी बुनियाद क्या है, और उसकी बुनियाद है सेंसर्स। तो जैसे पिछली बार मैंने इस गाड़ी में एक ये साउंड सेंसर लगाया था, और अब ये गाड़ी इस सेंसर से चलती है। और मैं पिछली बार समझा रहा था कि अगर हम चाहते कि एक एक चुटकी बजाएं तो ये फॉरवर्ड जाए, दो बजाएं तो ये रिवर्स में आए, या और भी किसी किस्म की इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहते, तो हमारे को इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर या एक छोटा कंप्यूटर लगाना पड़ता। जैसे कि आज के दिन हमारे पास अलग अलग किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। ये है आर्डुइनो का माइक्रो कंट्रोलर। इसको अगर हम इस सर्किट में जोड़ें तो हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं कि साउंड का डेसिबल लेवल कितना हो तो क्या करना, या साउंड अगर एक क्लैप हो तो फॉरवर्ड, दो क्लैप हो तो रिवर्स, इस तरीके की प्रोग्रामिंग हम इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हैं। तो हम जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन में सेंसर्स हैं, कंप्यूटर है, और ये मोटर्स या अलग किस्म की चीज़ें जिनको एक्चुएटर्स कहते हैं। इसको समझने के लिए हम इसकी उपमा ले सकते हैं जैसे हम मनुष्य काम करते हैं। हमारी कई इंद्रियां हैं, सेंसेस, जैसे कि देखने की इंद्री या सुनने की इंद्री, और ये इंद्रियां जो हमारी हैं ये कॉन्स्टेंटली हमारी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है ये हमारे मस्तिष्क को बताती रहती हैं। और फिर हमारा मस्तिष्क, मान लिया जाए हमने कुछ अगर गर्म चीज़ छुई तो मस्तिष्क कहता है कि हाथ हटा लो। बिल्कुल वैसे ही आज के दिन ये जो मशीनें हैं, जो रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि मशीनें वो स्वचालित मशीनें हैं, ऑटोनोमस मशीनें हैं। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि वो मशीनें जो अपना निर्णय खुद से ले सकती हैं। तो इन रोबोट्स में भी हम मनुष्यों की तरह एक ब्रेन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, जो कि इसका ये माइक्रो कंट्रोलर है, और कुछ सेंसर्स हैं और कुछ एक्चुएटर्स हैं। यानी जैसे इसमें हमारे पास ये दो डीसी मोटर लगी हुई थी, तो ये जो सेंसर्स हैं, जैसे ये साउंड सेंसर इसमें लगा था, ये एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहा है, और जब इसने एक साउंड सुनी तो इसने ये वाली इनपुट, अभी इस सर्किट में ऐसा नहीं है, ये वाली इनपुट अपने माइक्रो कंट्रोलर, अपने दिमाग को दी, और माइक्रो कंट्रोलर फिर बताता है कि एक्चुएटर्स को, जैसे हमारे हाथ पैर, कि करना क्या है। ये देखने के लिए मैं आपको एक और गाड़ी दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक एम्बॉट है जो कि एक रोबोट है, यानी कि ये एक स्वचालित मशीन है। इस मशीन में सेंसर लगे हैं, तो इसमें दो ये अलग अलग सेंसर्स लगे हैं। एक ये इंफ्रारेड सेंसर लगा है, दो इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं, और एक ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है। इसमें यहाँ पर ये एक जो है ऊपर ये माइक्रो कंट्रोलर है, और इसमें ये जो ये दो डीसी मोटर लगी हैं जो कि इसकी एक्चुएटर्स हैं। तो ये सेंसर्स जो हैं ये इनपुट एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, और ये इनपुट जो है ये इस माइक्रो कंट्रोलर यानी इस मशीन के दिमाग को देते हैं, और फिर ये जो मशीन, ये जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है, इसकी हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि इनपुट क्या आ रही है, हम कहते हैं आउटपुट इन दो मोटर्स को देनी है। तो जैसे मैं अगर इस मशीन, इसको एम्बॉट को ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस एम्बॉट का ये रिमोट है। इस रिमोट में तीन मोड हैं, ए, बी और सी। मैं जब इसको ए मोड में ऑन करता हूँ तो अभी ये मशीन जो है, ये रोबोट हमारी एम्बॉट जो है, ये केवल एक रिमोट कंट्रोल मशीन है। यानी जब मैं इसका फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ तो ये आगे जाती है, जब मैं रिवर्स दबाता हूँ तो ये पीछे आती है, और ये इसी तरीके से लेफ्ट या जो है राइट या लेफ्ट मोड़ सकती है। पर अभी ये मशीन को हम रोबोटिक मशीन नहीं कह सकते हैं, स्वायत्त मशीन, एक ऑटोनोमस मशीन ये नहीं है, क्योंकि ये अभी एक आरसी से कंट्रोल्ड है, जिसको कि हमें मनुष्यों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। पर इसमें अगर मैं इसका दूसरा मोड ऑन करता हूँ, यानी ये बी मोड जो है, तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑन हो जाता है, और फिर ये मशीन के सामने अगर कोई चीज़ आएगी तो ये मशीन को पता है कि सामने कुछ है, और ये अपने आप अपनी दिशा जो है वो बदल लेगी। इसको
इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये मशीन के पहिए जो हैं ये आगे घूम रहे हैं, पर अगर इसके सामने कुछ आता है जैसे मेरा हाथ, तो ये अपनी दिशा बदल लेते हैं, फॉरवर्ड मोशन है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर ने देखा कि आगे कुछ है तो पहिए जो थे वो रिवर्स होने लगे। तो ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये सेंसर्स जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे रडार या जैसे चमगादड़ काम करते हैं, कि रडार या चमगादड़ एक ध्वनि फेंकता है, अगर सामने कुछ नहीं होता तो ध्वनि वापस नहीं आती और चमगादड़ जैसे है वो उड़ता रहता है, पर अगर वो उसके आगे कोई चीज़ होती है तो ध्वनि उससे टकरा के वापस आती है, और जब वापस आती है तो चमगादड़ को पता होता है कि आगे कुछ है और वो अपनी दिशा बदल लेता है। बिल्कुल उसी तरीके से इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में एक एमिटर लगा है और एक रिसीवर लगा है। ये एमिटर जो है ये कॉन्स्टेंटली एक अल्ट्रासोनिक साउंड, एक ध्वनि फेंक रहा है, और अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो हम मनुष्यों को नहीं सुनाई देती है, तो ये कॉन्स्टेंटली एक अल्ट्रासोनिक साउंड फेंक रहा है। अगर सामने कुछ नहीं है तो हमने इसका माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम किया हुआ है कि दोनों मोटर्स को फॉरवर्ड मोशन में रखना, तो ये जो है रोबोट ये आगे चलता रहता है। पर अगर सामने कुछ है तो ध्वनि उससे टकरा के, जो ध्वनि की किरण है वो उससे टकरा के वापस जाती है, और एमिटर को पता, एमिटर से निकलती है, रिसीवर पे जाती है, और उसको पता होता है कि आगे कोई ऑब्स्टिकल आ गया है। ये जो इनपुट है ये इस माइक्रो कंट्रोलर को मिलती है, और फिर हमने इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम किया हुआ है कि इफ साउंड एकोज बैक देन पुट व्हील्स इन रिवर्स। तो जैसे ही सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है ये व्हील्स थोड़ा सा रिवर्स होते हैं, और जैसे ही वो चीज फिर से तरंग जाती है, वापस नहीं आती है, तो वापस सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस रोबोट का पहला सेंसर है। इस रोबोट में एक और सेंसर लगे हैं। ये जो सेंसर हैं ये दो पेयर यहाँ लगे हैं, एक पेयर इंफ्रारेड सेंसर, एक पेयर इंफ्रारेड का ये, एक पेयर ये। पेयर का मतलब है इसमें भी एक जो है वो एमिटर है, एक रिसीवर है, तो ये एमिट करता है। तो ये एक रोशनी की तरंग, एक इंफ्रारेड रे फेंक रहा है, और इंफ्रारेड भी एक ऐसी तरंग है जो हम मनुष्यों को नहीं दिखाई देती है, तो ये कॉन्स्टेंटली एक इंफ्रारेड तरंग फेंक रहा है। और अगर नीचे रंग कौन सा है इसके हिसाब से या तो वो तरंग वापस आ रही है या नहीं आ रही है। आपने रंगों के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि सफ़ेद रंग जो है वो सफ़ेद इसलिए नज़र आता है क्योंकि जब उस पर रोशनी की तरंगें पड़ती हैं तो वो सारी तरंगों को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो सफ़ेद नज़र आता है। और अगर हमारे पास काला रंग है तो काला रंग काला इसलिए नज़र आता है क्योंकि उस पर जब रोशनी पड़ती है तो वो सारी तरंगों को अब्सॉर्ब कर लेता है, कुछ भी वापस नहीं फेंकता है, इसलिए वो हमें काला नज़र आता है। इसी प्रकार पीला इसलिए पीला नज़र आता है क्योंकि वो पीली, आपको पता होगा कि एक रोशनी की तरंग में सारे रंग होते हैं, जैसे कि आप एक रेनबो में देखते हैं, इंद्रधनुष में देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस पे रोशनी जब पड़ रही है तो उसमें सारे रंग हैं, पर ये मोटर जो है ये उसमें से जो पीली तरंग है केवल उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी सबको अब्सॉर्ब कर दे रही है, इसकी वजह से हमारे को ये येलो नज़र आ रही है। तो कलर के इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम ये इंफ्रारेड सेंसर यूज़ कर रहे हैं। ये इंफ्रारेड सेंसर को हमने ऐसा प्रोग्राम किया है कि हमने कहा है कि एक इंफ्रारेड तरंग निकलेगी, अगर नीचे वाइट होगा, क्योंकि वाइट सब कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो वापस तरंग आ जाएगी और रिसीवर पे आ जाएगी, और ये रिसीवर इस माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट दे देगा कि नीचे अभी रंग सफ़ेद है। और इसका इसके विपरीत अगर नीचे रंग काला है तो इससे जो इंफ्रारेड बीम निकलेगी वो पूरी अब्सॉर्ब हो जाएगी क्योंकि काला रंग सब अब्सॉर्ब कर लेता है और कोई भी तरंग वापस नहीं आएगी, और इस सेंसर को पता चल जाएगा कि अभी नीचे रंग काला है, और ये दोनों इनपुट इसको इस माइक्रो कंट्रोलर को देता है। तो पहले हम इसको चला के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक कागज़ में एक काले रंग की एक सड़क पेंट करी हुई है, और हम देखते हैं कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हमने इसके ऊपर रखा, इसको हमने ऑन किया,
तो हमने पहले ए वाला जो करा था वो आरसी रिमोट कंट्रोल था, बी वाला जो मोड था वो अल्ट्रासोनिक था, सी मोड जो है वो है जो कि इंफ्रारेड सेंसर्स को चलाता है। तो मैं सी मोड ऑन करता हूँ। तो जो हमारा रोबोट है वो केवल इस काली सड़क पर चल रहा है। हम इसको जब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर या ये इंफ्रारेड सेंसर यूज हो रहा है तब हम इसको कह रहे हैं कि ये एक रोबोटिक कार है, एक स्वायत्त मशीन है, क्योंकि ये अपना निर्णय खुद ले रही है। बिल्कुल वैसे जैसे हम मनुष्य इंद्रियों से हमारे को कुछ इनपुट मिलती है कि एनवायरनमेंट में क्या है, वो इनपुट हमारे ब्रेन को जाती है और ब्रेन फिर हमारे ऑर्गन्स या हमारे लिम्स को बताता है कि क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही ये मशीन काम कर रही है। तो इस वक्त ये रोबोटिक है और इसको हम समझने के लिए देखते हैं कि जब मैंने इस मशीन को सी मोड में डाला तो इसमें ये दो जो सेंसर्स हैं ये दोनों की ये लाइट जो हैं ये देखिए ब्लू हो गई हैं। ब्लू दोनों का होने का मतलब है कि अभी नीचे वो बता रहा है कि नीचे रंग सफ़ेद है, और अगर मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ तो वो दोनों लाइट्स बंद हो जा रही हैं और अब इसको पता है कि नीचे रंग काला है। और अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ कि एक एक सेंसर जो है वो सफ़ेद के ऊपर है और एक काले के ऊपर है, तो केवल वो लाइट जल रही है जिसमें नीचे सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है, और इसके विपरीत अगर मैं उल्टी दिशा में कहता हूँ तो दूसरा वाला सेंसर बता रहा है कि नीचे अभी रंग सफ़ेद है, दूसरा काला है। और अगर दोनों चीज़ें काली हैं तो दोनों ही सेंसर जो हैं वो बता रहे हैं कि नीचे रंग काला है, वो नीली जो लाइट है वो नहीं जल रही है। तो इसको हमने प्रोग्राम ये किया हुआ है कि अगर दोनों सेंसर बता रहे हैं कि नीचे ब्लैक है तो माइक्रो कंट्रोलर इन दोनों मोटर्स को बता रहा है कि मूव फॉरवर्ड, और अगर वो कह रहा है कि लेफ्ट वाला सेंसर बता रहा है कि नीचे वाइट हो गई है, जो नीचे जो भी रंग है वो नीचे वाइट हो गया है, तो हमने इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम किया हुआ है कि टर्न अ बिट टू द लेफ्ट, थोड़ा सा जो है वो बाईं तरफ मुड़ो, और जैसे ही जो ये रोबोट है ये बाईं तरफ मुड़ेगा दोनों जो है वो काली हो जाएंगे, दोनों सेंसर बताएंगे कि नीचे काला है और काले में प्रोग्रामिंग है कि मूव फॉरवर्ड। और इसके विपरीत अगर ये सेंसर उल्टा मुड़ रहा है और ये वाला जो सेंसर है राइट वाला सेंसर है उसमें नीचे वाइट है और लेफ्ट वाले में ब्लैक है, तो ये इनपुट माइक्रो कंट्रोलर को मिल रही है और वो मोटर्स को बता रहा है कि टर्न अ बिट टू द लेफ्ट, थोड़ा सा बाएं मुड़ो, और जैसे ही वो थोड़ा सा बाएं मुड़ेगा वो दोनों जो हैं सेंसर वो ब्लैक पढ़ेंगे और जो ये रोबोट है ये फिर से सीधा चलना शुरू हो जाएगा। तो इस बहुत सरल सी प्रोग्रामिंग के साथ हमने इस मशीन को सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स और एक्चुएटर्स का इस्तेमाल करके एक स्वायत्त मशीन, एक सेल्फ जो अपना डिसीजन मेकिंग, सेल्फ डिसीजन मेकिंग करती है, अपना निर्णय खुद से ले सकती है, ऐसी मशीन बना दिया है। और अब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रोबोटिक कार है। इस एमबॉट जो हमारा ये रोबोटिक कार है इसको हम एक मोबाइल फोन से भी जो है इसको हम चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं कि इसमें एक ये ब्लूटूथ का एक मॉड्यूल है और इस ब्लूटूथ की वजह से हम इसको अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इस मोबाइल फोन में हमने एक ऐप लोड करी हुई है जो कि इस एमबॉट की ऐप है। तो अब हम इसमें देखिए कैसे काम करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये जॉयस्टिक कंट्रोल है और अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा तो मैं अब इसको अपने जॉयस्टिक से हम इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो मोबाइल फोन है इसमें भी बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो इसमें एक जो सेंसर लगा होता है वो होता है एक्सेलेरोमीटर, जो इस मोबाइल फोन को बता रही होती हैं कि इस वक्त वो किस दिशा में है। इसीलिए आपने जब आप अपने फोन की ओरिएंटेशन बदलते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हैं, तो वो अपने आप अंदर का कंटेंट बदल जाता है, वो बदलता है क्योंकि एक्सेलेरोमीटर जो है वो मोबाइल फोन को बताता है कि इस वक्त तुम सीधे हो, तिरछे हो, किस डायरेक्शन में हो। इस मोबाइल फोन में जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर लगा है हम उसका इस्तेमाल कर कर भी इस एमबॉट को चला सकते हैं। तो मैं उसको ऑन करता हूं और अब ये मशीन वैसे चलेगी जैसे
तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स रेवोल्यूशन की बुनियाद यही है, सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स या कंप्यूटर्स और कुछ एक्चुएटर्स जैसे इस इसमें जो मोटर्स लगी हुई हैं वो, और हम इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए मशीनों को जो है ऑटोनमस बना देते हैं, जो कि अपना निर्णय खुद ले सकती हैं, जो अपना डिसीजन मेकिंग खुद कर सकती हैं। तो संक्षिप्त में इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन जो आज का है वो इन्हीं सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स या कंप्यूटर्स पर आधारित है, जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं और इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर को हम प्रोग्राम कर देते हैं और फिर वो कंप्यूटर आधारित, सेंसर आधारित जो मशीन है वो अपना डिसीजंस खुद लेके जो है चल सकती है। जैसे कि आज की जो ड्राइवरलेस कार्स हैं उनमें ऐसे हजारों सेंसर्स लगे हैं, जीपीएस वगैरह लगा है, जो कॉन्स्टेंटली गाड़ी को बताते हैं कि इस वक्त वो एनवायरनमेंट में कहाँ पर है, और उसके बाद गाड़ी अपना निर्णय खुद लेके स्वयं से चल सकती है।